नेक्स्ट टाइम और कुछ वीडियो के लिए हेलो दोस्तों, तो हम चलते हैं और मैं आशा करता हूँ। दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो सारे। और अब हम कटरा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड। और हम मैं सोच रहा हूँ कि कटरा रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर किया जाए जाते आते, तो चले एक्सप्लोर करते हैं सारे मिलके। तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो सोच रहे थे हम कटरा रेलवे स्टेशन पर कुछ फ़ोटो सेशन करवा ले। तब तक मैं आपको कटरा रेलवे स्टेशन का पूरा व्यू दिखाता हूँ, तो आप मेरे साथ व्यू देखिए। देखिए ये मेन एंट्री गेट है, कितना सुंदर है। और आप देखिए बहुत ही सुंदर जगह पर बना हुआ ये कटरा रेलवे स्टेशन। और इसका मैं चारों तरफ से व्यू दिखाता हूँ। देखिए सीनिक व्यू कितना प्यारा है, कितना प्यारा। अभी हल्की हल्की धूप निकली हुई है, इतनी ठंड नहीं है, लेकिन दिसंबर का टाइम है, ठंड होनी चाहिए। और ये देखिए मैं पूरा व्यू पूरा दिखाता हूँ आपको। और देखिए सामने हम किसी पहाड़ से नीचे आए हैं, और ये माता का दरबार जो वाइट ऊपर जो आपको वाइट स्नो दिख रही है वो ऊपर की तरफ है, और जो वाइट वाइट आपको बीच में दिख रहे हैं ये मतलब माता जी के दरबार बने हुए हैं। देखिए आप कितना औसम है, मतलब स्टेशन ऐसा लगता है लाइक हम पेरिस या स्विट्जरलैंड आ गए हैं। तो हमारा स्विट्जरलैंड पेरिस इंडिया में ही है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुंदर स्टेशन है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतना सुंदर रेलवे स्टेशन है। तो चलो अब अंदर चलते हैं, फ़ोटो सेशन के बाद फिर अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब हम रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन दिखने में बहुत ही साफ सुथरा लग रहा है, और ऐसा मैंने सुना है कि अंदर प्लेटफॉर्म पे कोई भी फूड स्टॉल नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया बात है। मतलब ऐसा लग रहा है किसी हम पेरिस या इंग्लैंड के या मतलब अच्छे किसी मतलब अच्छे हिल स्टेशन के रेलवे स्टेशन पे आ गए, जो इंडिया में कभी नहीं था। मतलब आज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पर फूड स्टॉल की मैं बात कर रहा था, बीच में मैंने बात चेंज कर दी, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फूड स्टॉल मतलब जैसे प्लेटफॉर्म पे फूड स्टॉल होते हैं, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे कभी भी आप जाते हो तो प्लेटफॉर्म पे फूड स्टॉल वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कोई भी फूड स्टॉल नहीं है। आपको खाना भर से ले जाना पड़ेगा, और बहुत ही स्ट्रिकनेस है, गंदगी फेंकने पर जुर्माना भी है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपने भोजनालय का साइन देखा होगा, यहाँ पर आप लंच डिनर या ब्रेकफास्ट जैसे भी आपकी इच्छा करे, जैसे भी आपका ट्रेन का टाइमिंग हो आप मतलब ले सकते हो। और यहाँ पर वेटिंग हॉल भी है और विश्रामालय जो भी है, दोनों चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो आपको जैसे रात को ट्रेन लेट पहुँचती है या फिर आपको होटल रूम नहीं मिलता, तो आप वेटिंग रूम में आप रेस्ट कर सकते हो, विश्राम कर सकते हो। और मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है ये रेलवे स्टेशन देख के। और इतना सा भी तिनका होता है ना, इतना सा तिनका भी नहीं है। मतलब दिल्ली के जो मेट्रो स्टेशन कहते हैं ना सफाई के मामले में सबसे आगे, उससे भी ऊपर ये रेलवे स्टेशन है। इतना सा भी तिनका नहीं है, मतलब गंदगी के नाम का। और मतलब यहाँ पर अगर आप कहीं भी गंदगी मचाते हो या फिर कुछ भी फेंकते हो, तो 500 रुपीज़ आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, तो गंदगी ना मचाइए, और हमारे मतलब स्वच्छ अभियान को आगे बढ़ाइए। और मैं आपको स्टेशन के बारे में क्या बयान करूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इस तरह से लाइव दिखाऊं कि ऐसा लगे कि आप साक्षात वहीं हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि देखो, ये देखो ना पीछे पहाड़ देख रहे हो ना, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है रेलवे स्टेशन आया है, मज़ा आ रहा है। मतलब क्या बताऊं, मतलब आंखें ऐसी मतलब सुरीली, कुछ कुछ मज़ा आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हो, आप फील करो जब आप वहाँ हो गए ना। और आपको कितना गर्व महसूस होगा ये रेलवे स्टेशन देख के, आपको कितना साफ दिख रहा है, देखो कितना साफ, कहीं भी इतना सा भी तिनका नहीं है। तो अभी हम प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन आनी है, सरराज एक्सप्रेस। तो अभी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, हमारे पास आधा पौना घंटा है, तो देखते हैं क्या करते हैं, कुछ टिकटॉक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर इंटरनेट चल नहीं रहा क्योंकि हमारे पास प्रीपेड कनेक्शन है, तो मैं कुछ टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, तो बिहाइंड द सीन उसको देख लीजिएगा। और कटरा रेलवे स्टेशन पर चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। कटरा का रेलवे स्टेशन है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। मेरे चैनल का नाम है जैक्स व्लॉग राइटर। अभी थोड़ी सीढ़ी चढ़ रहा था तो सांस चढ़ गया, क्योंकि बैग बहुत है हाथों में, तो थोड़ा मेरे वॉइस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। मेरा माइक भी गुम हो गया है, तो मैंने बिना माइक के ये बिना माइक के लिए है, तो प्लीज़ कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आएगी कहीं कहीं जगहों पे, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना अपना छोटा भाई और बड़ा भाई समझ के।
ये हमारी ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लग चुकी है और स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा है, आप देख रहे हो। और ये मेरी फैमिली जिनके साथ मैं गया था, और बहुत मज़ेदार ट्रिप है। और अभी पूरे चलते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं रेलवे स्टेशन पे। और एंजल देखो आगे गुन्नू, बच्चे ये फोटो सेशन करवाते हुए, और मज़ा आ रहा है स्टेशन पे। और हमें अच्छा है, थोड़ा टाइम मिला तो कुछ स्टेशन को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, आपको दिखाने का मौका मिला। देखिए एक भी फूड स्टॉल नहीं है, मैंने आपको कहा था। और अभी हम कुछ टिकटॉक वीडियो बनाएंगे बिहाइंड द सीन वाली, तो उसे देखना ज़रूर। और अभी के लिए बाय बाय, लेकिन हाँ वीडियो एंड तक देखना। अभी बाय लिए हैं, मतलब मेरे लिए बाय बाय है, आगे तक देखते रहना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अंदर डाल दो ना इसको, इसे नीचे कर दो। अरे अपने व्यूअर्स को बाय कर दो सबको, और नेक्स्ट टाइम और कुछ वीडियो के लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम बड़े लंबे रूट हो गया था, हमारा कैमरा खो गया था, इसलिए प्लीज़ हम आपसे सॉरी मांगते हैं, हम आपको पूरा व्यू सही से नहीं दिखा। नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा, नेक्स्ट टाइम हम इससे ज़्यादा बेटर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैक्स ब्लॉग राइटर, और बेल आइकन को क्लिक कर देना। कुछ वीडियो कम आएंगे तो माफी चाहेंगे, लेकिन कोऑपरेट कर लेंगे, कोऑपरेट करना नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि लंबे टूर पे लेके जाएंगे। जय माता दी। चलो चलो नहीं नहीं मैं बिहाइंड द सीन ले रहा हूँ, आपने वहाँ देखना है, मेरा बिहाइंड द सीन है ये। वाली मत मेरी मारी हिमाचल वाली, आयो है तिखी वाली, मुंह तो मेरी खंड दिल तो सी भी मकाली। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा पारा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। आप भी करो ना, इत्थे बैठ जा, इत्थे बैठ जा, इत्थे बैठ, उठे बैठ, उठे बैठ, इत्थे बैठ जा। हेलो दोस्तों, तो हम चलते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी ट्रिप बहुत पसंद आई होगी, और आपको सारे एपिसोड बहुत अच्छे लगे होंगे। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को क्लिक कर देना प्लीज़। हाथ जोड़ के विनम्र करता हूँ, तो प्लीज़ कर देना, और मेरी वीडियो को कोशिश करना शेयर कर देना। आपका छोटा भाई बड़ा सा भाई समझ के कोई गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा। और फिर अभी बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रिप बनाते हैं, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाते हैं। और हाँ, मेरे पहले वाले एपिसोड की सारी वीडियो के बारे में बताना कैसी लगी, और कमेंट कर देना प्लीज़। और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट ट्रिप बनाऊंगा, और अच्छी अच्छी वीडियो कोशिश करूंगा, नई नई चीज़ें बनाऊं। देखो ये सारी ट्रिप आपने पहले किसी और ने बना के दिखा रखी है, लेकिन मैं कुछ नई चीज़ डालने चाह रहा हूँ, और मैंने इसे थोड़ा डिफरेंट ही बनाया है, तो अच्छे लगेगी ज़रूर आपको, कोशिश रहेगी, बाकी उसकी मर्जी। बाय बाय, लव यू।